असंबुद्धं बुद्धनिसेवितं यं भवाभवं गच्छति जीवलोको नमो अविद्यादि किलेश जाल विध्वंसिनो दमवडशतस्य गुणे ही यो शील समाधि पय्या विमुक्तियान पवुति युत्तो खेतं जनानं कुसलत्थिकानं तमर्यं संगं शिरसा नमामि। इमायं सभायं पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया इति समितिया नवम सम्मेलने उपट्ठिता सभ्य संघ जनानंग सब पठमंग स्वागतम करोमी। पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत किया जाने वाला पाली दिवस के रूप में नवमा सम्मेलन है। हम लोगों ने इसके पूर्व 8 सम्मेलन कर चुके हैं। मऊ से हमने यात्रा शुरू की थी, उसके बाद द्वितीय हमारा सम्मेलन वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था, तीसरा फिर मऊ में हुआ, चौथा कुशीनगर में हुआ, पांचवा संकिसा में हुआ, छठा लखनऊ में हुआ, सातवां श्रावस्ती में हुआ और एक बीच में एक और हुआ था। इस तरह से नौवां हमारा सम्मेलन बोधगया कुछ समिति के सदस्यों के द्वारा इसे चयन किया गया। यही भूमि है, सही रूप में बुद्ध भूमि तो यही है। बुद्ध को यही ज्ञान प्राप्त हुआ। 6 वर्षों तक पूरे देश में विचरण करते रहे, लेकिन यह इस उर्वरा भूमि पर उन्हें ज्ञान का प्राप्त हुआ, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। उसके बाद पूरा जीवन उनका समाज में सद्भाव बना रहे, समाज में शांति आए, किसी का शोषण न हो, समानता आए, इसके लिए अपना पूर्ण जीवन उन्होंने बिता दिया। जब बुद्ध को इसी बोधि वृक्ष के नीचे जब ज्ञान मिला, तो पहला जो उनके अंदर प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत है वह जगा कि कोई भी कार्य की उत्पत्ति अनायास नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ज्ञान प्राप्त होते ही उनके मन में ये भाव जगा, तो कार्य कारण सिद्धांत उनके मन में जगा। उसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा। और फिर 2 उदान उनके निकले, इसी बोधगया की है इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा आतापिनो झाए तो ब्राह्मणस अथस्य कंखा वपयन्ति सब्बा यतो पजानाति सहेतु धम्मंति। जब धम्म का प्रादुर्भाव होता है, धम्म का अर्थ रिलीजन से नहीं है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म से नहीं है, धम्म का अर्थ है वस्तु का सत्य स्वभाव, जो अनित्य है, दुख है, अनात्म है। जब उसका प्रादुर्भाव होता है, यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा, किसको होता है? अगली पंक्ति में कहते हैं आतापिनो झाए तो ब्राह्मणस्य, वो किसी तपस्वी को होता है, ध्यानी को होता है। आज जो तपस्वी और ध्यानी है वही ब्राह्मण है। अपने प्रथम उदान में ही उन्होंने बता दिया कि ब्राह्मण कौन। जन्मना उन्होंने ब्राह्मण को नहीं बताया, कर्मना उन्होंने ब्राह्मण को बतलाया, क्योंकि समाज में जो असमानताएं थी वो जन्मना ब्राह्मणों के कारण थी। उन्होंने स्थापित किया कि जो ध्यानी है, जो तपस्वी है, वही जो है धम्म का अधिकारी है और वही ब्राह्मण है। तब उसका लाभ क्या होगा धम्म का प्रादुर्भाव होने से?
अथस कंखा बपियंति सब्बा, तब उसकी सारी शंकाएं निर्मूल हो जाती हैं, सारा संदेह दूर हो जाता है। क्यों दूर हो जाता है? अथस कंखा बपियंति सब्बा यतो पजानाति सहेतु धम्मंति, क्योंकि वह सहेतु धम्मंति, क्योंकि वह जान जाता है कि किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह एक दूसरे पर अवलंबित है, सहेतुक धर्म है। हो जाता है जब उसे वस्तु के सत्य स्वभाव को जान जाता है, वही अरहत्व बनता है, वही निर्वाण प्राप्त करता है। यह बुद्ध का प्रथम उदान निकला था इसी बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। फिर उसके बाद दूसरा उदान निकलता है, अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिविसंग गह काड़क गवे संतो दुखा जाति पुन पुन गह काड़क दिठोसी पुनगे हंग न कहासी सब बाते फासुका भग्गा गह कुटंग विसंग तंग विसंग काड़ गतंग चित्तंग तनहानम क्षमेजगा। अनेक जन्मों तक इस संसार में भटकता रहा, संधा विसंग अनिवृत्त बिना रुके हुए इस संसार में मैं भटकता रहा। गह कारकं गवे संतो, हे घर बनाने वाले, है इस जीवन को बनाने वाले, इस संसार को बनाने वाले, मैंने तुमको अनेक जन्मों तक खोज करता रहा। गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः, और अनेक बार मैंने जन्म ग्रहण किया और दुखों में लगा रहा, दुख की अनुभूति करता रहा। हे घर बनाने वाले, घर बनाने वाले को उन्होंने तृष्णा कहा, अविद्या का। हे घर बनाने वाले, मैंने तुम्हें देख लिया है, पुनगे हंगना कहासी, अब तुम पुनः घर नहीं बना सकते, क्योंकि तुम्हारी जितनी भी कड़ियां हैं, श्रृंखलाएं हैं, उसको तोड़ दी गई है, अब तुम घर नहीं बना सकते। हमारा चित्त जो है संस्कार रहित हो गया है। बुद्ध की यह प्रथम वाणी थी, प्रथम उदान था, जो इसी भूमि से निकला था, और इसी में पूरा बौद्ध धर्म का सार है। अगर बुद्ध वचन, अब बुद्ध ने फिर आगे उपदेश देना शुरू किया साधना से, उन्होंने आभिजात की जो भाषा थी संस्कृत छांदस वैदिक भाषा, उन्होंने उसमें उपदेश करना नहीं शुरू किया, क्योंकि वो जानते थे अगर मैं छांदस में उपदेश करूंगा, संस्कृत में उपदेश करूंगा, तो इसका लाभ कुछ ही लोगों तक होगा। और जो उनका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों का सुख हो, अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो, अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो, यह उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता। बुद्धो धम्मं देशेति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्य, अधिक से अधिक लोगों का मंगल। इसलिए उन्होंने आम जनता की बोली, इसी मागधी भाषा को चुना। पाली जो भाषा के रूप में आज हम लोग, आज ये आपका 200 वर्ष पुरानी भाषा, पाली के नाम से उसमें नहीं जाना था, पाली एक भाषा के रूप में नहीं जाना जाता था। त्रिपिटक में पाली को भाषा के रूप में, अम्ब पाली, दंत पाली, उपंक्ति के रूप में लिया गया है। तो ये मोगलान एक बहुत बड़ा व्याकरणाचार्य हैं, उन्होंने जो बुद्ध की जो भाषा है, उसके बाद सिद्ध विद्य गुणंग साधु नमसित्वा तथागतंग सद्धम संघंग भाषी संग मागदंग सद लक्षणंग, उन्होंने मगध का सद लक्षण यानी व्याकरण, मगध के व्याकरण को बतलाया है कि यह जो पाली है इस पर मगध का बहुत ज्यादा प्रभाव है। ये जो मगध स्थल है जिसका रिप्रेजेंट ये बोध गया करता है, वही भाषा है, वही बोली है जिसको आज से 2.5 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने घूम घूम कर लोगों को बतलाया था,
जन कल्याण कराया था। पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और इसका उद्देश्य यही है कि जो बुद्ध की जो मूल भाषा है पाली, आम जन की भाषा है पाली, जिससे हम लोग दूर हो गए हैं, उसके अनुवाद के रूप में नहीं बल्कि उसे हम मूल पाली को फिर पढ़ना जाने, पढ़ना सीखें और उसके अंतर्निहित जो भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं, उस सारे भगवान बुद्ध के उपदेश जो है वह जनता में शांति स्थापित हो, जनता का कल्याण हो, आम जन का लाभ हो, उसी का उन्होंने उपदेश किया। उससे इतर उन्होंने उपदेश किया ही नहीं, और उन्होंने यह भी नहीं कहा कि मेरे उपदेशों को तुम रट लो, रटने नहीं बोला ना, उन्होंने कहा इसको आचरण में उतारो तभी तुम्हारा कल्याण संभव है। बहुवं पीछे संहितं भास मानो न तकड़ो होती नरोपमत्तो गोपो वो गाव गण्यं पड़े संग न भागवा समय स होती। अनेक ग्रंथों का पाठ करने वाला हो लेकिन उसका आचरण करने वाला अगर नहीं हो तो कोई लाभ नहीं होगा, कोई ना आपका लाभ होगा ना आपके संपर्क में रहने वाले का लाभ होगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि उसे आप आत्मसात करो, पंचशील का पाठ करने तो एक बहाना है, धीरे धीरे उसको आत्मसात करना है। पनाति पाता वीरमणि सिक्खा पतंग समाधियामि, केवल कहने के लिए नहीं है, यह संकल्प लेना है मैं हिंसा नहीं करूंगा। और यह संकल्प संकल्प और धीरे धीरे उसको पालन करते 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 कोई हिंसक आदमी अचानक कहे कि हम अहिंसक हो गए वह संभव नहीं है। पर धीरे 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 हर जीव जीना चाहता है, चाहे वह मच्छर हो कीड़ा हो, हर जीव जीना चाहता है, जीने का उसे अधिकार भी है, तो वह अधिकार उससे मिलना चाहिए। यह भगवान बुद्ध का ये था। तो ये जो पंचशील है, अठशील है, दसशील है, उसका पालन हम करें। अब भगवान बुद्ध का सारे उपदेश सामाजिक सामाजिकता से जुड़ी हुई है, समाज का कैसे कल्याण हो, कैसे मंगल हो। पूरे दो दिनों का इसी पर सेमिनार है, हमारे वक्ता जो है यहाँ आएंगे और नए नए प्रकाश डालेंगे, आप लोग उनसे लाभान्वित हो। और हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग पाली का अगर छोटा कोई व्याकरण हो, जैसे धर्मरक्षित जी का व्याकरण है पाली व्याकरण, उसको एक खरीद लें, एक धम्मपद की छोटी पुस्तक है उसे पढ़ें, बड़ा लाभ होगा। अमृत वाणी उसमें है, अमृत ग्रंथ है। यह जो 1 अप्रैल कल हमारा पाली दिवस है, वह जो पाली दिवस रखा गया है भिक्षु धर्मरक्षित जी के उसी दिन जन्म हुआ था 1 अप्रैल को, इसलिए हम लोग 1 अप्रैल को पाली दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 अप्रैल को लोग कहता है मूर्ख दिवस है, हम कहते हैं जब बुद्ध को ही बुद्धि की ओर ले जाता है, लेकिन बुद्ध को यहाँ बुद्धू बना दिया गया, बुद्ध से बुद्धू बना दिया, बुद्ध से बुद्धि है लेकिन बुद्धू बना दिया। उसी तरह से 1 अप्रैल जो है हमारे लिए प्रकाश का दिवस है, जिसे हमने पाली दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, वह हमारा चल रहा है और आप सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं, इसलिए सम्मिलित रूप से आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।